क्या विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर रामकिशोर दोगने का चुनावी कार्यालय विधि विधान अनुसार प्रारंभ हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त, हरदा जिले के प्रभारी अवधेश सिसोदिया, जिला अध्यक्ष ओम पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पवार, हेमंत टाले, मोहन साई केदार, सिरोही बद्री पटेल, पुरुषोत्तम कुठारी, संग्राम सिंह रिलावत, जनपद अध्यक्ष श्रीमती रानू दशरथ पटेल, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष यशोदा पाटिल, श्याम सिंह राजपूत, दुर्गादास पाटिल, असलम पठान, शंकर पटेल आदि उपस्थित रहे और साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष शंकर सिंह एवं सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हरदा से ललित बाथोले की रिपोर्ट। धन्यवाद जिन्होंने मुझे प्रत्याशी बनवाया, विश्वास किया, निश्चित विश्वास खरा उतरेंगे। उसके बाद ही आप देखें मुद्दे बहुत सारे हैं हरदा में। आप बताओ खिड़किया में कॉलेज जो 30 साल तक एक मंत्री रहते हुए, 3-3 बार मंत्री रहते हुए खिड़किया में कॉलेज नहीं खुलवा पाया है, वो आदमी विकास की बात करता है। कौन सा विकास किया? ओवर ब्रिज नहीं बनवा पाया खिड़किया में, तो कौन सा विकास किया? बिरंगी में ओवर ब्रिज नहीं बनवाया, हरदा में नहीं बनवाया, मॉडल कॉलेज पढ़ा 3 कमरे में लग रहा है, सेंट्रल स्कूल पढ़ा 3 कमरों में लग रहा है, वो भी हमने रुकवाए थे इसलिए, नहीं तो अब तो वापस चले जाते हैं। तो विकास कौन सा किया? मेरा तो आपके माध्यम से उससे यही क्वेश्चन है कि आप विकास एक बता दो, विकास आपने किया हो तो। विकास फुटपाथ बनाने की बात की है, फुटपाथ बना नहीं आज तक, गोडाउन बंद कर रह गए, तो ये विकास कुछ भी नहीं किया। रोजगार की व्यवस्था क्या किया? 15 इंडस्ट्री भी बंद हो गई, अपने सोयाबीन प्लांट और 3 प्लांट थे, तीनों बंद हो गए, तो ऐसी स्थिति में विकास कुछ नहीं किया। कमल पटेल ने बिल्कुल हरदा का विनाश कर दिया है, 30 साल में बहुत नुकसान किया, नहीं तो हरदा डेवलप हो सकता था, जैसे राजौरी जी ने किया था विकास, आप देखें राजौरी जी का आज भी दिख रहा है। उन्होंने अपना स्कूल के लिए, नवोदय स्कूल के लिए अपनी खुद की जमीन दे दी, और इन्होंने तो जमीनों को रोका है, बनने नहीं दे रहे, चंद्र स्कूल बनने नहीं दिया, कॉलेज बनने नहीं दिए, मॉडल कॉलेज खुलने नहीं दिया, अभी खिड़किया में कॉलेज बनने नहीं दिया, जब खिड़किया में जमीन पड़ी 6 एकड़ उसके बाद भी बनने नहीं दिया। तो इनमें ज़्यादा तो आरोप है, ये विकास रोकते हैं, ये विकास करते हैं अगर, तो अभी तक यहाँ इंडस्ट्री एरिया बहुत बढ़िया डेवलप हो सकता था। इंडस्ट्री एरिया का मैं बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ रेलवे है और रेलवे का मेन ट्रैक है, नेशनल हाईवे है हरदा में, आपका नर्मदा जी का पानी है, पानी चाहिए, नेशनल हाईवे चाहिए, रेलवे ट्रैक चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होने के लिए अच्छा डेवलप बना लेंगे, पर इस तीनों चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, इसके बाद भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब कि कमल पटेल ने कुछ नहीं किया और इन्होंने कभी विकास के बारे में सोचा नहीं, हरदा के विकास के बारे में सोचा नहीं, इसलिए नहीं हुआ। इन्होंने एग्रीकल्चर कॉलेज की घोषणा की, वो भी आज तक नहीं बना, तो सिर्फ घोषणा करते हैं, अभी घोषणा भी नहीं है, मेरी संज्ञा इनको है कि घोषणा भी नहीं है। 1000 अभी भूमि पूजन किए उन्होंने, 1000 भूमि पूजन करके एक भी काम शुरू नहीं हुआ, ऐसे कैसे नगर पालिका में 104 भूमि पूजन किए थे, वो आज तक शुरू नहीं हुए। तो ये सब घोषणा करते हैं, नारियल फोड़ते हैं और नारियल के भाव बढ़ा दिए, लोगों को बजाने चर्चा इस बात की, तो इसलिए मेरा तो इंजीनियर इस मुद्दे को लेके जाएंगे और भ्रष्टाचार में लिप्त है, सोसाइटी में किसानों को पैसा देना पड़ा, पुलिस वाले चारों तरफ खड़े हैं, वसूली हो रही है, तो इनके राज में वसूली चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है मेरा आरोप है, और आगे आने वाले समय में ये सब चीज़ हम खत्म करेंगे, इंडस्ट्री एरिया डेवलप करेंगे, एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवाएंगे, खिड़किया के कॉलेज की अच्छी बिल्डिंग बना के कॉलेज चालू कराएंगे, ये हमारा प्लान है। इनकी कमियों के अलावा और आपके पास क्या, कांग्रेस का ऐसा क्या शपथ?